गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। गुड आफ्टरनून, क्योंकि पूरा टाइम हो रहा है 2:30 बजे का और सीनरी जो है अभी वॉल पे लगी नहीं है, तो इसलिए हमने ऊपर ही लगा दिया है और पूरा कमरा जो है साफ है। और आपको एक चीज दिखाऊं, मैं कल ही लाई हूं, वो आपने देख लिया होगा होप सो। तो मैं अपने बेड के साथ के लिए ये लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है अपना रखना होता था पास में, तो अब यहाँ रख लेंगे। और स्पीकर को मैंने वन बाय वन कर दिया है, तो काफी अच्छी लुक आ रही है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा पूरा घर। अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे इस वाले रूम के लिए फटाफट से, ठीक है। और सबसे पहले आज सभी को निर्जला एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी को घर में विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का हर एक किसी के घर में प्रवेश हो, उनका आगमन हो, सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें और बहुत बहुत मस्त रखें। और यहाँ का कमरे का कुछ हाल ऐसा है, अब आप देख रहे हैं अपना कमरा ऐसा और बच्चों का ऐसा, और वहाँ बनी बैठ के अपना कुछ कर रहा है। और ये जो कपड़े पड़े हैं, हमारी मशीन ने हमें कई दिनों से धोखा दे रखा है। ये कई दिनों से नहीं, ये समझ लीजिए आप जब से मैं गांव से आई हूँ, ये चल ही नहीं रही है। तो मैं थोड़े थोड़े जो कपड़े हो रहे हैं आजकल दो तीन दिन के, तभी हाथों हाथ में धो देती हूँ हाथ से। अब मैं इनको भिगो दूंगी टब के अंदर और फिर पूरे दिन थोड़ा सा भिगो के रखूंगी, और फिर शाम को जब पानी आएगा तो खुले पानी में धो दूंगी। हाथ से धोना पड़ रहा है इसलिए मैं पतली हो गई हूँ, पता नहीं अब मशीन कब आएगी। हालांकि इन्हों कहते रहे ले लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है कि अभी नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी मशीन ले। अगर आप लोग बताना मुझे, वैसे मैं फुली ऑटोमेटिक की ही कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि फुली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है क्या वो ठीक होती है। अगर वो ठीक होती है तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा, अगर ठीक नहीं होती है तो फिर मैं नॉर्मल सेमी वाली भी ले लूँगी। आप लोगों के वेट करूंगी कमेंट का। और आज एकादशी है और आज का मेरा व्लॉग पता नहीं कितने दिनों के बाद जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी सबसे पहले, क्योंकि अभी मेरे गांव के व्लॉग चल रहे हैं। कुछ दिन मैंने एक हफ्ता या 10 दिन लगातार जो है लाइव करी थी, तो मैं अपने व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं दे पाई थी, तो मेरे जो है बीच के व्लॉग रुक गए थे। लेकिन अब आपको डेली ही मेरे व्लॉग मिलेंगे, चाहे छोटू मिले चाहे बड़ू मिले, और आपको डेली ही पूरा देखना है, उसे स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, और हाँ आज एकादशी है, तो आज हमारे यहाँ से क्या होता है ना, जैसे मम्मी मौसी ये आती हैं, तो मम्मी नहीं आ पाएंगी, उनकी क्या है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन मेरी एक मासी आ रही है सबसे छोटी, तो वो आ रही हैं, और देखते हैं उनके साथ शायद माही आ रही होगी। उन मासी से आप कई बार मिले हैं, माही से भी कई बार मिले हैं। चलिए, बहुत बकर 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 कर ली है मैंने, मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने कपड़े भिगो रही हूँ सर्फ में, क्योंकि ताकि शाम तक धोऊं तो मेरे कपड़ों का मैल अच्छे से फूल जाए। वैसे तो गर्मियों में डेली के ही कपड़े उतरते हैं, डेली के ही पहनते हैं, तो ज्यादा मैल भी नहीं घुटता है, पर हाथ से धोने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पे मैं अपनी मशीन को सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं कल अपने बेड के साथ में रखने के लिए वो ट्रॉली लाई हूँ, तो साथ ही मैं ये वाली चेयर लाई हूँ और इसको मैं साइड बाय साइड। फाइनली आ गई है मेरी मौसी और मेरी माही, और अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मासी को लेना है। क्या लेना मासी, खुद बताएंगे आज? लड्डू गोपाल के वस्त्र लेने हैं। हाँ, और मासी दशहरा है जैसे मैंने बताया था, मासी आई तो मासी लाई है मेरे लिए, हाँ एकादशी है सॉरी, फल फ्रूट लाई है, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं मासी को फटाफट से लड्डू गोपाल जी के वस्त्र दिला रहा हूँ। और बिल्कुल अभी अभी गई हैं, और उनके जाते ही मन उदास सा हो गया है और हनी बनी लगे हैं। और मासी जब अपना सामान लाई थी ना खाना जी का, तो मैं एक और ये वाला डब्बा ले आई, क्योंकि मेरे चीनी का जो डब्बा है वो टूट गया है, तो मैंने कहा चलो ये वाला डब्बा ले लेते हैं, दिखाते हैं भैया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो पहले वाला डब्बा है ना, उसका सेम टू सेम यही कलर है ऊपर का ढक्कन का ग्रीन। हालांकि डिज़ाइन उसका अलग है, पर सेम ऐसा मिला नहीं। मैंने बोला भैया सेम नहीं मिला कोई बात नहीं डिज़ाइन से, लेकिन मेरे को ढक्कन जो है जैसे कैप है वो तो मेरे को फाइनली ग्रीन ही चाहिए। फिर उन्होंने अपने गोदाम में जाके ढूंढा, काफ़ी ढूंढा, तब जाके उनको मिल गया। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो फैन चल रहा, क्योंकि गर्मी इतनी गंदी वाली पड़ रही है कि फ़ैन बंद करना पॉसिबल नहीं। और बाहर से आए हैं और मैं मासी को छोड़ कर भी आई हूँ बाहर तक, तो ठीक है। तो ये लिया है मैंने, और ये है 10 किलो का, यही बता रहा था वो 10 किलो का है। वैसे मेरे को पहले 5 किलो का था चीनी का डब्बा, लेकिन अब 10 किलो का है। तो चलिए
तो आज मैं बनाने वाली हूँ सात्विक खाना। सात्विक खाने में क्या बनने वाला है गैस करके कमेंट में बताइए, इतने में किचन में मिलूंगी आपको। ओके सो गाइस, खाना बनाने बाद में पहले धो लेती हूँ कपड़े जो दोपहर को भिगो के रखा था। तो कपड़ों को मैंने अच्छे से रगड़ के धो लिया है, बस मैं आप लोगों के सामने कंगाल रही हूँ क्योंकि रगड़ते हुए दिखाती खंगालते हुए दिखाती तो पता नहीं आज पूरा वीडियो कपड़ों के ऊपर ही बन जाता। तो बस यहाँ पे मैं 3-4 बार अच्छे से पानी से खंगाल लूंगी। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरी अपनी किचन में। यहाँ बना रही हूँ मैं भंडारे वाले आलू की सब्जी, क्योंकि सात्विक सब्जी बनानी है आज एकादशी पे। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है अपना, सरसों के तेल आप जो यूज़ करते हैं वो लें। यहाँ पे मैंने हींग ली है, टमाटर कुछ प्योरी बनाई है और कुछ काट के रखे हैं, उबले हुए आलू हैं, जिंजर है थोड़ा सा कसा हुआ और 2 हरी मिर्ची। तो यहाँ पे डाला मैंने तेल के गर्म होते ही बड़ी इलायची और हींग के डलते के साथ ही मैंने डाला है अदरक जो मैंने कूट के धरा हुआ था वो, और फिर मैंने टमाटर प्योरी डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे खड़े टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा मैं भूल गई हूँ वो स्किप हो गया है वो क्लिप लेने। और फिर मैंने ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, रेड चिल्ली पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है और धनिया पाउडर डाला है। जो भी अपने 5-6 बेसिक मसाले होते हैं बस वही डालने हैं हमें, क्योंकि भंडारे वाले सब्जी में यही स्वाद देते हैं। ठीक है, ऊपर से मैंने मसाले के ऊपर डाली है 2 खड़ी हरी मिर्ची क्योंकि बहुत ही इसका मज़ा आता है। और टैंगीनेस के लिए डाला है मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर, आप अमचूर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, नहीं तो टैंगीनेस के लिए आप बाद में नींबू डाल लीजिएगा। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी आप अमचूर पाउडर ही डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जो मैंने आलू को बॉयल करके मीस के रखा हुआ था, मतलब फोड़ के, अब मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो मसाले में पहले मैं आलू को अच्छे से भून लूँगी ताकि आलू अंदर से कुछ फूडे, तो अंदर तक मसालों का जो है टेस्ट आना चाहिए काफ़ी अच्छे से। तो ये देख सकते हैं आप, मैं मसाले में काफ़ी अच्छे से भून रही हूँ हर तरफ से अलट पलट करके। तो देखिए भुनने के बाद कितना अच्छे लग रहे हैं, अब आलू एकदम भुने भुने करारे करारे। उस भुनने के बाद में मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी, आप पानी अपने सब्जी के अकॉर्डिंग आलूओं के अकॉर्डिंग डालना। तो क्योंकि हमें अभी क्या है, इस तरी को पकाना भी है, ग्रेवी को पकाना भी है। तो ये देखिए मेरी ग्रेवी जो है पक रही है, जितनी देर में ये पकेगी साइड बाय साइड मैंने तेल गरम करके पूड़ियाँ उतार रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि सात्विक खाने में और भंडारे के खाने में, देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी भी, सात्विक खाने में और भंडारे के खाने में आलू और पूड़ी, वाह क्या कॉम्बिनेशन लगता है यार। कौन कौन इस चीज़ को मिस करता है या बना के टेस्ट करता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ अपनी सारी बना ली हैं, मैं बनाती जाऊँगी और अंदर खाते जाएंगे, वो क्लिप भी मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि ये लोग अंदर कितने मज़े से खा रहे हैं और औरत जो है बना रही है। लेके चलते हैं अन्नू के पास और देखते हैं इन सबका रिएक्शन। ये सब बैठे हैं इस वाले कमरे में, सो गाइस खा रहे हैं तीनों भाई बेटा खाना कुछ इस तरीके से। कैसा लगा ये बताओ? सब्जी बहुत बड़ी लगी आलू की, ऐसे जैसे बनाते हैं भंडारे वाली। हाँ, मैंने कहा आज एकादशी है तो सात्विक सब्जी बना लेती हूँ, तो ये सब खा रहे हैं, मैं बनाते जा रही हूँ गरम गरम और ये सब गरम गरम खाते जा रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो सब्जी रोटी होती है इसका गरम गरम मजा होता है ना। सो गाइस ये वाले रूम में खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एसी ऑन है, और टाइम बताऊँ तो 10:10 हो गए, और सही बताऊँ तो मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोगों के सामने, और सब्जी भी ये रही, देखिए रखे रखे कितनी ठीक हो जाती है और क्या कलर आया इसका ज़बरदस्त, और देखिए कितनी ठीक हो जाती है, और तेल देखिए कितनी मस्त तरीके से पकड़ा हुआ है अपनी आग को। उसको मैं कर देती हूँ बंद क्योंकि एक बार ही ऐसे ही जो है आग लग गई थी मेरे घर में। तो चलिए यहीं पे लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि फिर सब लोग जो है स्किप करने लग जाते हैं। और कैसा लगा मेरा व्लॉग? आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो रिटर्न करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में जरूर से, ताकि वो भी बना के खा सके भंडारे वाली सब्जी और पूड़ी। ठीक है, तो अगर छोटी मोटी गलती हो गई तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और वैसे मेरे पास एक दो ना कमेंट आए थे कि आपके व्लॉग अच्छे तो बहुत होते हैं लेकिन थोड़े से बड़े बनाए करें, तो उनके लिए जिन्होंने मुझे व्लॉग, अगर उनका मुझे इस टाइम कमेंट मिला तो मैं यहाँ लगा दूंगी, नहीं मिला तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी, काफ़ी देर हो गई और मुझे भी भूख लग रही, कढ़ाई भी जल रही है। अब मैं जाती हूँ जल्दी से और अपने लिए बना लेती हूँ पूड़ियाँ और खाती हूँ, और आप भी बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए, इंस्टाग्राम लिंक मैं यहीं कहीं छोड़ दूंगी, और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आई होप सो आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज मिलने वाली है, और हाँ
कुछ मेरे को आप नीचे बता दिया करें कि आपको क्या देखना है, क्या खाने का मन है, मैं वही रेसिपी बनाया करा करूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। शब्बा है, जय माता दी।